इंदौर की अपराध शाखा द्वारा सिटीजन कॉप एप्लीकेशन के गुम हुए फोन की शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए वर्ष 2022 और 2023 की शिकायतों का निराकरण कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गुम मोबाइल फोन जो कि इंदौर सहित देश के विभिन्न शहरों में चल रहे थे, जिन्हें क्राइम ब्रांच टीम द्वारा बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा कुल 558 मोबाइल फोन प्राप्त किए गए, जिनमें हजारों रुपए कीमत के महंगे मोबाइल फोन भी शामिल हैं। बरामद मोबाइल फोन्स में 9 आईफोन, 30 वन प्लस, 69 सैमसंग मोबाइल, 89 ओप्पो मोबाइल, 175 वीवो, 95 रेडमी, 76 रियलमी, 2 ऑनर, 6 टेक्नो, 1 नोकिया, 4 मोटरोला और 2 आईटेल तथा अन्य कंपनियों के हैं। गौरतलब है कि इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा संचालित की जा रही सिटीजन कॉप एप्लीकेशन वास्तव में एक एंड्रॉइड फोन एप्लीकेशन है, जिसे आमजन द्वारा गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के संपर्क नंबर के अलावा अन्य महत्वपूर्ण फीचर उपलब्ध हैं, जैसे किसी घटना के संबंध में सीधे ऑनलाइन शिकायत अथवा पुलिस तक सूचना पहुंचाए जाने हेतु किसी घटना की रिपोर्ट करना और किसी वस्तु चोरी अथवा गुम होने पर पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने तथा खोए हुए सामान आदि की रिपोर्ट कराने की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। मोबाइल गुम होना एक ऐसी समस्या है जिससे आम व्यक्ति का लगातार कई बार सामना पड़ता है। मोबाइल हमारे जीवन का एक बड़ा अनिवार्य हिस्सा हो गया है और इस तरह की शिकायतें आती हैं। इस कड़ी में अगर पिछले साल देखें, अगर पिछले कुछ समय में, तो लगभग 2300 से ज़्यादा मोबाइल लोगों को सपोर्ट किए गए हैं जो गुम हो गए थे और उनको ढूंढ रहे थे, लोगों तक पहुँचाए गए। आज जो मोबाइल मिले हैं इनकी संख्या लगभग 550 के आसपास है और 2 करोड़ रुपये के मोबाइल आज लोगों से जो गुम हो गए थे उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ला करके उन्हें वापस उनके तक पहुँचाया जा रहा है। खासतौर पर मोबाइल से जुड़ी इस तरह की शिकायतें आती हैं और सिटीजन कॉप के माध्यम से कई बार वहाँ का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से घर बैठे हम जा करके उस एप्लीकेशन में हमारा अगर मोबाइल गुम होता है उसमें लॉस्ट आर्टिकल में हम उसको रजिस्टर्ड करें, मुख्य IMI और बाकी जानकारियाँ उसमें हम दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद पुलिस उस जानकारी को लगातार मॉनिटरिंग करती है जब तक वो न मिल जाए और मिलने के बाद फिर उनके जो रिपोर्ट्स होती है उस रिपोर्ट के आधार पर उनको सूचित किया जाता है और बीच बीच में जब मोबाइल इस तरह के जब इकट्ठे हो जाते हैं तो लोगों को दिया जाता है। तो एक लगातार सतत की जाने वाली कार्रवाई है और खास तौर पर उद्देश्य यह एक सर देने का कि लोग जागरूक हों। अगर हमारा मोबाइल गुम होता है, कहीं गिर जाता है, तो आज उसमें मोबाइल के मूल्य से भी ज़्यादा कीमत उसमें जो जरूरी डाटा और जो जानकारियाँ होती हैं उनकी होती है, हमारे जीवन के एक डायरी की तरह महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसलिए एक बड़ी संख्या में आज 550 से ज़्यादा मोबाइल फोन लोगों को दिया जा रहा है और लोगों में इसको लेकर के काफ़ी उत्साह है और पुलिस की कार्रवाई को लेकर के लोगों में काफ़ी संतोष और उत्साह है।